आज हमारा टॉपिक वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? आयतन, जिसे क्या कहते हैं हम, आयतन। सबसे पहले ठोसों का आयतन, पहले घन, घन का आयतन क्या है? पहली जो है घन, घन है छह पृष्ठों वाला ठोस जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, क्या कहलाता है? छह पृष्ठों वाला ठोस जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, घन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता हमारा घन। ठीक है, इसका आयतन जो होता है, भुजा जो होती है ए, तो घन का आयतन जो होता है भुजा की क्यू, क्या होता है? भुजा की क्यू, यानी कि ए की क्यू। इसके बाद होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सिक्स भुजा स्क्वायर, क्या होता है? सिक्स भुजा स्क्वायर। इसके बाद आता है हमारा आयताकार ठोस, दूसरा जो है घना या आयताकार ठोस। छह पृष्ठों का ठोस जिसका जिसका पृष्ठ आयताकार होता है, आयताकार होता है। Thank you.
ये क्या कहलाता हमारा? घनाभ क्या कहलाता है? घनाभ। तो घनाभ का आयतन जो होता है, लंबाई ए बी और सी, ए बी और सी इनकी लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी ए गुणा बी गुणा सी यानी ए बी सी। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टू गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा एल बी एच में देखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब क्या है प्रिज्म, प्रिज्म बैठो जिसकी ऊपरी तरह नीचे से तो प्रिज्म वह ठोस जिसकी ऊपरी तथा निचली की सतहों एक दूसरे के समांतर, सतह एक दूसरे के समांतर होती है प्रिज्म क्या है? प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म का आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब हमारा आ गया ठोस बेल, क्या आ गया ठोस बेल। ये एक प्रकार का प्रिज्म होता है
जिसकी ऊपरी तथा नीचे की सतह है, जिसकी ऊपर ऊपर की तथा नीचे की सतह गोल होती है। ये सिलेंडर बन गया। आयतन होता है ठोस बेलन का, आयतन जो होता है आधार का क्षेत्रफल होना चाहिए, आधार का क्षेत्रफल होना चाहिए, आधार का क्षेत्र जो होता है आधार होना, आधार क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ऊंचाई h। अब इसका आता है वक्र पृष्ठ बेलन का, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, यानी कि आधार की परिधि, परिधि गुणा ऊंचाई। परिधि गुणा ऊंचाई ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, परिधि गुणा ऊंचाई। अब हमारा आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम कॉमन लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस आर ठीक है। ये हमारे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बाकी मैं आपको अगले वीडियोज में कल हल कर दूँ ठीक।